ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने नशे से जुड़े आरोपियों को धर दबोचा। वहीं थाना मोहनगर के द्वारा नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के व्यापार से जुड़े आरोपियों की पतासाजी के साथ ही उनकी धरपकड़ कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नशीली दवाओं का जखीरा पकड़ाया, जिसमें एक आरोपी सुशांत हल्दर कैलाश नगर का निवासी को धमधा नाका राइस मिल के पास नशे की गोलियां बेचने की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर धर दबोचा गया, जिसके पास से 1728 नशीले कैप्सूल मिले हैं, जिसे अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 23/2/2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि कैलाश नगर में एक व्यक्ति जिसका नाम सुशांत हल्दर, पिता परिमल हल्दर 32 साल के द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर थाना मोहन नगर एवं क्राइम ब्रांच और सीएसपी साहब की सिविल टीम के द्वारा संयुक्त रूप से रेड कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में सुशांत परिमल को रंगे हाथों नशीली दवाओं के साथ में उसे पकड़ा गया और उसके पास से 630 रुपये नकदी रकम भी जब्त की गई है और इससे 12 डिब्बों में पूरे भरे हुए जो पैकेट्स है, 12 पैकेट्स जो है नशीली दवाइयां इससे जब्त की गई है। और ये जो व्यक्ति है इससे कुल अब तक जो जब्त की गई है 1728 नक कैप्सूल, जिसमें से स्पास ट्रंकॉन प्लस और स्पास कोरवान प्लस, ये दो नाम से कैप्सूल है, ये कैप्सूल इससे प्रतिबंधित कैप्सूल्स जब्त किए गए हैं। आरोपी को कैलाश नगर जहां पर वो बिक्री कर रहा था धमधा नाका राइस मिल के पास से जो है आरोपी को पकड़ा गया है और इसके पास से कुल 12,600 रुपए की दवाइयां, नशीली दवाइयां। ये पहला मामला अभी तक तो हमारे, हालांकि बहुत पहले से ये बिक्री कर रहा था और हमेशा चकमा दे रहा था पुलिस को लंबे समय से, लेकिन ये इस बार जो है पुलिस ने इसके ऊपर वाजिब कार्रवाई की है और इसमें धारा 8, धारा 22, धारा 27 का NDPS एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।